हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे ब्रजानंद दीपक झा स्टडी मस्ती पे। और मैं हूँ दीपक झा। तो आज हम फिर से 10th और 12th क्लास के साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं। और जैसा कि इससे जी पिछला वीडियो दिए थे उसमें जो क्वेश्चन बताया था वो भी क्वेश्चन क्या था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि आपका एग्जाम जो है काफी नजदीक आ चुका है और आप लोग एक्साइटेड हो चुके हैं अपने एग्जाम को लेकर के। चलिए बिना समय के आपको ले चलते हैं बोर्ड पर और देखते हैं क्वेश्चन जो आज का है। सभी क्वेश्चन को बारी बारी से क्वेश्चन को पहले हम आपको बताएंगे, फिर उसका आंसर भी आपको बताएंगे। और आप उस क्वेश्चन को, उम्मीद है कि आप लोग नोट जरूर करते होंगे, तो नोट जरूर कर लीजिएगा। और नोट करने के साथ साथ आपको याद भी करना है, और एग्जाम के लिए क्वेश्चंस क्या है कि इंपॉर्टेंस होती है, इसलिए इस क्वेश्चन को याद अगर आप कर लेते हैं तो अगर आप एग्जाम में बैठते हैं क्वेश्चन पूछ दिया तो उस क्वेश्चन का आंसर आप लिख पाइएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को बखूबी से देखते हैं। ठीक है, ठीक है। सबसे पहला जो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले उस क्वेश्चन को देखिए और समझिए जो हम आपको क्या बता रहे हैं। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील किन धातुओं का मिश्र धातु है। ध्यान सुनिएगा, स्टेनलेस जो स्टील है ना वो किन धातुओं का मिश्र धातु है, सबसे पहले इसको समझिए। तो स्टेनलेस स्टील जो होता है, जैसे कि आपका इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन है एन आई तथा सी आर, ठीक है, एन आई तथा सी आर का मिश्र धातु है। सेकेंड ऑप्शन है एफ ई तथा एल, एफ ई तथा एल का मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील, या एफ ई तथा सी का मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील, या आपका फोर्थ ऑप्शन है एफ ई तथा सी फोर, एफ ई तथा सी फोर का मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील। ठीक है, तो इन चार ऑप्शन में से कोई एक आंसर जो होती है आपको पता ही है, उसी में टिक लगाना होता है। तो स्टेनलेस स्टील जो है वो आपका अगर मिश्र धातु होगा तो वो होगा फर्स्ट ऑप्शन एन आई तथा सी आर का। किसका है? एन आई तथा सी आर का मिश्र धातु है कौन सा? स्टेनलेस स्टील्स। समझ में आ गया, एन आई तथा सी आर दोनों का मिश्र धातु हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या होगा? टू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू है कि फास्फोरस का कौन सा अपरूप अधिक क्रियाशील है। फास्फोरस का कौन सा अपरूप अधिक क्रियाशील है उसको देख लेते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो है बैगनी। क्या है? बैगनी है। सेकेंड है श्वेत, थर्ड है लाल और फोर्थ है सिंदूरी। ये चार कलर है, ठीक है। इन चार कलर में आपको ये बताना है कि जो अपरूप होगा वो अधिक क्रियाशील होगा किसका? फास्फोरस का। इसको यानी कि फास्फोरस जो है ना वो कौन सा अपरूप का अधिक क्रियाशील है। तो ये श्वेत जो है ना, श्वेत, ये श्वेत जो है, श्वेत अपरूप अधिक क्रियाशील होता है किसका? फास्फोरस का। ऑप्शन टू में याद रखिए श्वेत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री को देखते हैं, और जो हम टिक लगाते जा रहे हैं वही आपका आंसर होगा, और जैसा कि हम बोल भी रहे हैं। क्वेश्चन थ्री है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, जिसमें आपका जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया थर्ड है एच जी, सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन है एच जी, थर्ड ऑप्शन है ए जी और फोर्थ ऑप्शन है ए यू। तो मैं बता दूं कि निम्नलिखित में जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील होगा वो होता है सी यू, ठीक है। इसको ले लीजिए, सी यू जो है ना सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। सी यू क्या होगा आंसर? Cu सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है। Hg, Ag, Au से भी अधिक है, क्योंकि सबसे अधिक है क्वेश्चन पूछ रहा है सबसे अधिक अभिक्रियाशील, तो क्या हो जाएगा? Cu होगा। ऑप्शन वन टिक लगाइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर को देखते हैं। क्वेश्चन फोर क्या है कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है, ठीक है। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात क्या है, जिसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन है एक अनुपात एक। अगर हाइड्रोजन एक होगा तो ऑक्सीजन भी एक होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है सेकेंड ऑप्शन टू अनुपात वन, यानी कि अगर हाइड्रोजन जल में अगर हाइड्रोजन दो है तो ऑक्सीजन क्या होगा? एक होगा। ऑप्शन थ्री है थ्री अनुपात वन, अगर हमारा हाइड्रोजन थ्री है तो ऑक्सीजन वन होगा। ऑप्शन फोर है कि अगर हाइड्रोजन दो होगा तो अनुपात ऑक्सीजन का कितना होगा? दो होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का परमाणु जो संख्या उसका अनुपात दो अनुपात एक होता है, टू अनुपात एक में आता है, ठीक है। समझ में आ गया ना, अगर दो भाग हाइड्रोजन का होगा तो एक भाग क्या होगा? ऑक्सीजन का होगा, इसलिए दो अनुपात एक। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या कितनी होती है? दो अनुपात एक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव को देखते हैं। साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र है। साधारण ताप पर फास्फोरस का जो अणुसूत्र होगा वो आपका इसमें फर्स्ट ऑप्शन है पी है, सेकेंड ऑप्शन है P2, ठीक है, थर्ड ऑप्शन है P3 और फोर्थ ऑप्शन है P4।
साधारण ताप पर फास्फोरस का जो अणुसूत्र होता है वो होता है P4। क्या होता है? P4 ऑप्शन 4 दिखाई देता होगा आपको, ये आपका जो आंसर होगा ना ये वाला आपका आंसर होगा, ठीक है, P4, क्योंकि साधारण ताप पर फास्फोरस का जो अणुसूत्र होता है वो होता है P4। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है वो क्वेश्चन 6 क्या कहता है? क्वेश्चन 6 कहता है कि निम्न में कौन सा फास्फोरस जीवन के लिए घातक है? निम्न में कौन सा जो फास्फोरस है वो निम्न में कौन सा ऐसा फास्फोरस है जो क्या है जीवन के लिए घातक है, जिसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा लाल, सेकेंड है श्वेत जिसको पीला भी कहते हैं, थर्ड है 1 एवं 2, यानी कि लाल भी और श्वेत भी। ऑप्शन ये थर्ड आपका हो गया, 1 और 2 दोनों, यानी लाल भी होगा और श्वेत भी होगा, और जिसमें आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो कह रहा है कोई नहीं, यानी कोई भी फास्फोरस जीवन के लिए घातक नहीं है। तो मैं बता दूं, ये आपका जो श्वेत यानी कि पीला जो फास्फोरस होता है वो जीवन के लिए क्या होता है? घातक होता है, क्योंकि अधिक अभिक्रियाशील है, ठीक है, कमरे के ताप पर ही उसमें क्या पकड़ लेता है, आग पकड़ लेता है। इसलिए सफेद फास्फोरस क्या होता है? जीवन के लिए घातक है। पहले जो माचिस के जो आप पढ़े होंगे हिस्ट्री ऑफ माचिस, उसमें माचिस के जो सबसे पहले आविष्कार किया गया था उसमें सफेद फास्फोरस का ही आविष्कार किया गया था, सबसे पहले उसमें सफेद फास्फोरस का ही था, जिसके कारण वो माचिस घर में रखने पे ही आग पकड़ लेता था, इसलिए उसको हमेशा भिगो करके रखा जाता था मॉइस्चरिंग के लिए, इसलिए वो उसमें आग नहीं पकड़ता था। फिर उसको बदल करके लाल फास्फोरस को लाया गया, क्योंकि उसको रगड़ने पर आग पकड़ता है, समझ में आ गया। इसलिए जीवन घाती होता है कौन सा? सफेद यानी कि पीला फास्फोरस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है कि कौन सा फास्फोरस ज्यादा क्रियाशील है? अब जो ज्यादा क्रियाशील होगा वो जीवन घाती होगा, जैसे आपका फर्स्ट ऑप्शन है बैंगनी, सेकेंड है पीला यानी कि श्वेत हो गया, लाल हो गया थर्ड, और चौथा ऑप्शन कहता है कोई नहीं। तो अधिक जो क्रियाशील होगा वो फिर यही है, श्वेत यानी कि पीला फास्फोरस अधिक क्रियाशील है, ज्यादा, समझ में आ गया, ज्यादा क्रियाशील होगा श्वेत फास्फोरस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा जैसा कि हमें लग रहा है। प्रॉब्लम होगा तो आप नीचे जरूर कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को वॉच कीजिए पूरा अंत तक, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच आप शेयर भी कीजिए, अच्छा लगता है तो लाइक करना नहीं भूलिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्न में किसका अपरूप पाया नहीं जाता? निम्न में किसका अपरूप नहीं पाया जाता? फर्स्ट ऑप्शन है तांबा, सेकेंड है सल्फर, थर्ड ऑप्शन है फॉस्फोरस, चौथा ऑप्शन आपका कार्बन हो गया। ठीक है, चौथा ऑप्शन क्या है? कार्बन। तो निम्न में जो सबसे अप्रूव जो पाया नहीं जाता है वो ये आपका सल्फर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 2 सल्फर, यानी कि सल्फर अप्रूव जो है नहीं पाया जाता है, समझ में आया। यहाँ आपका ऑप्शन 2 है, सल्फर जो अप्रूव है वो नहीं पाया जाता है। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि वो कार्बन में टिक लगा देता है, जो भी गलत हो जाएगा, जो हमारा सल्फर होगा वो अप्रूव नहीं पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। पीतल में रहता है क्या? रहता है Cu तथा Cn। पीतल में रहता है फर्स्ट ऑप्शन आपका Cu तथा Sn, सेकेंड है Cu तथा Zn, सेकेंड ऑप्शन है Cu तथा Zn, थर्ड ऑप्शन है आपका Zn तथा Pb, Zn तथा Pb, और फोर्थ ऑप्शन आपका हो जाएगा Sn तथा Pb। समझ में आ गया, दोबारा रिकॉल करते हैं, Cu तथा Sn फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड है Cu तथा Zn सेकेंड ऑप्शन, थर्ड है Zn तथा Pb थर्ड ऑप्शन, एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका Sn तथा Pb। तो पीतल में जो रहता है ना वो रहता है Cu तथा Zn। ठीक है, Cu तथा Zn पीतल में रहता है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जो कि मैं सिर्फ अपने वीडियो में 10 क्वेश्चन ही लाता हूँ, 10 की ज्यादा मैं अभी तक लाया ही नहीं, और 200 200 क्या होता है, इंपॉर्टेंट्स होता है, जो भी क्वेश्चन पढ़िए इंपॉर्टेंट्स पढ़िए, ताकि एग्जाम में टकराने की संभावना आवे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि धातुओं की प्रकृति होती है, धातुओं की क्या होती है? प्रकृति होती है, जिसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन है विद्युत धनात्मक, सेकेंड ऑप्शन कहता है विद्युत ऋणात्मक होगा। ये प्रकृति होती है धातुओं की, या उदासीन होती है या कोई नहीं होती है। ठीक है, ना उदासीन होगा ना कोई नहीं है, तो ऑप्शन दिया है तो कोई नहीं, ऐसा होगा ही नहीं, कोई ना कोई है ही। और धातुओं की जो प्रकृति होती है ना वो होती है विद्युत धनात्मक, ऑप्शन 1 विद्युत धनात्मक। ठीक है, धातुओं की जो प्रकृति होगी क्या होगी? विद्युत धनात्मक होती है। आई होप कि आप ये 10 क्वेश्चन को समझ गए होंगे, अच्छा लगता है तो लाइक नहीं करते हैं, जो कि आपको लाइक करना चाहिए लाइक कीजिए, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं और आपके बीच वीडियो लाऊं आपके एग्जाम के लिए, वो आपका वीडियो जो हो बेहतर हो और आप आसानी से अपने एग्जाम को निकाल पाए। तो गाइस, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय।